Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes, सही देख रहे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं बहुत सारी जॉब्स, पता नहीं बहुत सारी मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन हाँ कुछ जॉब्स ज़रूर देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगेन तो ये आ गया है मेरा, तो आप भी ओपन कर लीजिए ऐसे ही ये देखने के बाद, राइट। बीच में से ही मत भागिएगा, एक रिक्वेस्ट है पूरे सेशंस देखा करें, तभी आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी। बार बार आप मुझसे पूछते हैं मैम कैसे जॉब इंटरव्यूज़ क्रैक करें, कैसे अपने जॉब में काम करें, नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उसके कुछ यहीं पे ही मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती रहती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये खोला है, फिल्टर मेरा लेफ्ट पे लगा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट में मैंने लगा दिया है, आप भी लगा सकते हैं आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, राइट। सो यहाँ पे सामने ही मुझे देखिए कुछ नहीं करना पड़ा है और मुझे सामने ही एक जॉब दिख रही है, ये है HR एग्जेक्टिव एंड रिक्रूटर की। देखते हैं क्या होता है, इसे मैं ओपन कर रही हूँ, आप भी ओपन कर लें अपने यहाँ इसे देखने के बाद, ठीक है। एक रिक्वेस्ट मेरी अगेन है, मतलब एक डिस्क्लेमर भी है कि मैं किसी भी जॉब कंपनी को प्रमोट नहीं करती हूँ। मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है कि आपको समझ में आए कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट होते हैं, कैसे जॉब्स सर्च की जाती हैं। तो ये है HR एग्जेक्टिव एंड रिक्रूटर की जॉब और कंपनी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट डिस्क्लोज, 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, नॉट डिस्क्लोज मतलब सैलरी है, एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स मेंशन हुआ हुआ है, पोस्टेड हुई है 2 दिन पहले, ओपनिंग है एक जॉब। एप्लीकेंट्स देख के ना डरें कि भैया 300 लोग, 297 लोग तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, हमारा क्या होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते, ऐसे भी अप्लाई कर देते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं हम, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं। एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन सोर्सिंग फ्रॉम वेरियस जॉब पोर्टल्स लाइक नौकरी, लिंक्डइन एटसेट्रा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स या नॉन टेक हायरिंग। Review job description, understanding hiring needs and conduct search to identify suitable candidate. Good communication skills. सारे सेशंस बने हुए हैं, ये सोर्सिंग कैसे करी जाती है, राइट। इस पे सारे सेशंस बने हुए हैं, पिन कमेंट में मैं दे भी दूंगी। HR रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको मिल सकते हैं। जो सेशन ना मिले वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं। गुड इन एक्सेल, शुड हैव द एबिलिटी टू लर्न एंड वर्क ऑन न्यू टूल्स। एक्सेल में अच्छा होना, 5 मिनट सीरीज मैंने MS एक्सेल की चलाई है, वहाँ से भी आप एक्सेल सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, ये है हमारा शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क ऑन वीकेंड्स इफ नीडेड। भाई जब काम होगा तो आपसे कहा जा सकता है काम करने के लिए वीकेंड्स पे। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल 0.6 months to 2 years। अब देखिए इसीलिए वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि आपको 6 महीने का अगर एक्सपीरियंस होगा ना तो ये आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली, इमीडिएट जॉइनर्स प्रेफर्ड, जॉब लोकेशन दिस दिस, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, राइट। अब देख लेते हैं ग्रेजुएशन मैंडेटरी और फिर नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे सीधा, और ये है रोल। रोल क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्री टाइप फिनटेक पेमेंट, फंक्शनल एरिया ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम परमानेंट, रोल कैटेगरी ह्यूमन रिसोर्सेज। ये मैं इसलिए रीड कर रही हूँ आपको भी पता चले कि कौन सी कैटेगरी में क्या चीज़ आती है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MBA PGDM इन एनी स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट इज की स्किल्स, यानी कि MBA के लिए जॉब है। की स्किल्स नॉन टेक रिक्रूटमेंट, टेक्निकल रिक्रूटमेंट, सोर्सिंग प्रोफाइल्स, रिक्रूटमेंट, सोर्सिंग, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर एलिजिबल हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे रहती है और वो हमेशा ही रहेगी, वो ये है कि एक बार ना जॉब्स पे अप्लाई करके ज़रूर देखें, देखिए प्रोसेस में ज़रूर जाइए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर फॉल कर रहा है तो ज़रूर जाएं, ठीक है। ऐसे ना सोचें कि खाली पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और मुझे ICICI की जॉब दिख रही है, वॉक इन है वैसे तो, ये पता नहीं शायद कंप्लीट ना हो गए हों। वैसे 6 अक्टूबर इसमें मेंशन है, एक बार इसको ओपन करके देखें। अगर ये हो चुकी होगी तो फिर मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, मतलब वॉक इन्स अगर हो चुके होंगे तो। हाँ ये हो चुके हैं, ठीक है। आप अगर रीड करना चाहें तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं, मैं नहीं रीड करूँगी क्योंकि ये निकल चुका है। नहीं, ये आज का ही दिन है ना, लेकिन आज का दिन है लेकिन आप एकदम जा नहीं पाएंगे जब तक मेरी पोस्टिंग होगी, आप देखेंगे, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप देखना चाहें तो आप खोल के अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे कंसल्टिंग है, कंसल्टिंग नहीं, और ये भी आप यहाँ पे ये जो आ रही हैं ये आप ओपन करके देख सकते हैं, देखना चाहें तो, ठीक है। ये कुछ ऐसी मुझे ना थोड़ा सा लोकेशन का भी आइडिया नहीं है, आप लोग कहाँ से हैं। अगर एक बार मुझे लोकेशन का आइडिया हो जाएगा तो मैं फिर उस लोकेशन की जॉब्स भी आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। ये चलिए आगे और देखते हैं और कौन कौन सी जॉब्स हैं। लेट मी सी, चलिए यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन अब एक और फिल्टर हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे आता है रेलेवेंस आ रहा है, यहाँ पे हम डेट लगा सकते हैं। अब देखते हैं डेट लगाने के बाद क्या होता है, ठीक है। डेट लगाने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या आता है मेरे पास। तो डेट लगाने के बाद HR में ही है ये, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें नहीं जाऊँगी, आप भी चेक कर लीजिएगा। और अभी अभी भी बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी तो ये जॉब्स नहीं थी और ये हो चुकी हैं अब पोस्ट, तो आप ये ओपन कर करके देख सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी वैकेंसी निकल रही है, हम कहते हैं हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं और यहाँ पे कितनी कितनी जल्दी जॉब्स पोस्ट हो रही है। ठीक है, कंपनी की गारंटी आपकी खुद की है, खुद से सर्च करें। देखिए आप एक अकेले पर्सन हैं जिसको जॉब में जाना है, तो आप चेक कर सकते हैं मतलब खुद के लिए कि मुझे किस जॉब में जाना है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें सूटेबल है मेरे अकॉर्डिंग नहीं, कंपनी ठीक है नहीं है, फाइन। तो ये आपको खुद से ही देखना होगा, कंपनी आपको खुद से चेक करनी पड़ेंगी। चलिए यहाँ पर तो अब ऐसी कोई मुझे जॉब्स नहीं दिख रही हैं जिसको मैं खोल कर आपको बताऊँ, ओपन करके बताऊँ। अब यहाँ पे मैंने एक और आज चीज़ सोची है जो मैं एक और तरह से आपको बताने वाली हूँ, तो वो है यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या। देखिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं, अब ये सब हटा देते हैं और जैसे हम देखते हैं हमेशा, आज मैं देखती हूँ कुछ। देखिए जर्नलिस्ट प्रोफाइल चेक करते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे खाली HR जर्नलिस्ट लिख दीजिए। अगर आप यहाँ पे कोई लोकेशन या एक्सपीरियंस अपना डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, मैं तो बिल्कुल ब्लैंकली सिर्फ एक ही वो दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कोई शायद अच्छी सी जॉब आए हमारे पास सामने से, तो देखते हैं ओपन करके। आई थिंक कुछ अच्छी जॉब्स हो सकती हैं, ओपन करने से ही पता चलेंगी। HR जर्नलिस्ट प्रोफाइल की जॉब्स कुछ अच्छी आ रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने कुछ 1 आवर पहले कुछ जॉब्स देखी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी, और वो अब जॉब यहाँ पे मुझे दिख भी नहीं रही है, इसका मतलब वो बहुत नीचे पहुँच चुकी है। चलिए उसको भी हम ढूंढ ही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ये भी एक जॉब है, इसको भी हम देख सकते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे की जॉब है। क्योंकि आप लोग मुझसे कहते हैं मैम यहाँ की बताएं, वहाँ की बताएं, कुछ अच्छी सी कंपनीज़ की बताएं, तो इस वजह से मैं ये इसको सर्च कर रही हूँ। और भी हम यहाँ से जॉब्स देख सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ सर्च करें, देखें, खुद से रीड करें, जॉब डिस्क्रिप्शंस देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना। ओपन हो रही है तब तक मैंने कहा चलिए और 3 और नीचे तक आ जाते हैं, कुछ और जॉब्स भी चेक कर लेते हैं। अगेन ये तो वही आ रही है, अलग अलग जगह की भी हैं। 1 मिनट, यही देखिए मैंने कैफ़े कॉफ़ी डे भी खोला था, फिर से ये आ रही है। चलिए थिंक ये रीपोस्ट हुई है या कुछ और हुआ है, यहाँ पे और भी जॉब्स हैं, राइट। चलिए ये ओपन हो गई है आई थिंक, हाँ। चलिए ये है देखिए असिस्टेंट मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव HR टैलेंट एक्विजिशन, आप ये भी देख सकते हैं क्या है। देखिए हमें ना बार बार ये भी कहीं ना कहीं मिथ रहता है कि इसके बाद हमें क्या प्रोफाइल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि किस टाइप का प्रोफाइल मिलेगा। 3 to 8 years एक्सपीरियंस है, नॉट डिस्क्लोजर की बहुत सारी लोकेशन है, अगर आप यहाँ से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब एप्लीकेंट्स देख कर ना डरें, अगेन मैं वही कह रही हूँ, आप जॉब एप्लीकेंट्स देख कर डरेंगे तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये रहा मेरा, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, manage end-to-end mass volume recruitment includes sourcing, screening, initiating salary negotiation, releasing offers and induction। ये देखिए इसके बारे में भी, सबके बारे में सेशंस मैंने बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। achieving direct and team joining target, evaluate available sourcing channels and ensure right source mix, organizing job fairs, pool drives and build right branding for the company to attract talent। ये सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं सारा रीड नहीं करूँगी। Ensure that key employees are retained, यहाँ पे हैं हम, ensuring the key employees are retained। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। Organize engagement activities, contest, compliance of HR practices and policies in conjunction with management pertaining to exit, F&F settlement and induction। कहीं ना कहीं मैंने अपने सेशंस में सबके बारे में बात करी है, जो सेशन आपको नहीं मिलते आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, सब प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, बीच में आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए एक और है, हैंडल एंड रिजॉल्व ऑल एम्प्लॉई ग्रीवियंस, मतलब थोड़ा देखिए आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखिए आप ये सारा रीड कर सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं समझ आए ना, राइट, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिज़ायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल आ गया मेरा, एनी ग्रेजुएट, MBA, PG, DBM तीनों ही एप्लीकेबल हैं। 3 to 5 years इन रिक्रूटमेंट या फिर HR जर्नलिस्ट रोल, experience in hiring with good network, preferably in hotel management, hospitality, colleges and institutions, knowledge on HR practices and employment legislation, business and industry knowledge and acumen, conflict management, analytical and organizational focus। अब यहाँ पे मैं बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ती हूँ, उसका मतलब यही है कि आप खुद से उन्हें रीड कर लें, और मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट्स वाई मैं बीच बीच में से ही पढ़ रही हूँ। रोल देखिए, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, अदर इंडस्ट्री टाइप, FMCG, फंक्शनल एरिया ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट टाइप, फुल टाइम परमानेंट, रोल कैटेगरी रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, ग्रेजुएट, एजुकेशन ग्रेजुएट, एमबीए, पीजीडीएम इन एनी स्पेशलाइजेशन, की स्किल्स, वॉल्यूम हायरिंग, अगेन वही है रिटेल, एचआर जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़, फूड एंड बेवरेज, बल्क हायरिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग, कैफे, जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज, एफएनएफ, एग्जिट इंटरव्यू, सोर्सिंग, एचआर ऑपरेशंस, एफएमसीजी, सीनियर एचआर, कॉफी, रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, पिज्ज़ा, स्क्रीनिंग, क्यूएसआर, टी, मास हायरिंग एंड कैंपस हायरिंग। देखिए यही सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं, आपको नॉलेज है, तो आप अपने सीवी में डालिए, आपका सीवी बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग में आएगा। यस, ये जो की स्किल्स हैं यही टैप होंगी और आपका सीवी भी बहुत जल्दी इसमें आएगा, बहुत जल्दी आपका शॉर्ट लिस्टिंग में आएगा। राइट, आप पूछते हैं मुझसे कि मैम कैसे सीवी शॉर्ट लिस्टिंग में आए, तो यही सारी टर्म्स आपको ढूंढ के ना अपने सीवी में डालनी है, जिससे कि आपका सीवी भी आ जाए। लेकिन ऐसे ही नहीं डालनी, मैंने आपसे बोला है कि अगर नॉलेज है, आप एलिजिबल हैं, तभी ये सारी चीज़ें डालिएगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। राइट, सो इसी तरीके से आप और भी जॉब्स चेक कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का बार बार आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी कोई इतनी अच्छी सूटेबल वर्क फ्रॉम होम जॉब्स नहीं दिख रही हैं, दैट्स वाई मैं नहीं कोई भी सेशंस पे ला रही हूँ। होप सो जैसे ही आएगा मैं ज़रूर लाऊंगी। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। येस, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। येस, बाय बाय।